राजा भोज नवाबों बेगमों और झीलों की नगरी भोपाल में बड़े ताल के किनारे फतेहगढ़ किले की चार दीवारी के अंदर एक जंगल नुमा टीला हुआ करता था। पहाड़ी के उतंग शिखर जिसके एक ओर भोपाल का भव्य ताल है और दूसरी ओर एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मसाजिद, इस पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण हुआ। सन 1947 में भोपाल के तत्कालीन नवाब एच हमीदुल्ला खान ने दो जर्मन विशेषज्ञों डॉक्टर लेबर एवं डॉक्टर जिगलर की सहायता से 60 बिस्तरों का प्रिंस ऑफ वेल्स वर्तमान हमीदिया अस्पताल तथा लेडी लैंसडाउन सुल्तानिया अस्पताल का निर्माण कराया। कालांतर में यह अस्पताल भोपाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के आधार बने। 1 जून 1949 को भारत सरकार ने भोपाल स्टेट का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। 1952 को पार्ट सी स्टेट एक्ट लागू होने के बाद स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं डॉक्टर्स की कमी के मद्देनजर डॉक्टर शर्मा के मन में भोपाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का विचार अंकुरित हुआ। स्वर्गीय राजकुमारी अमृत कौर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को भोपाल में भवन और अस्पताल के चयन हेतु भेजा। पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन मेडिकल कॉलेज की फौरी स्थापना हेतु उपयुक्त समझा गया। तदनुसार 13 अगस्त 1955 को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन रेल मंत्री के कर कमलों से राजधानी भोपाल में चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ। कॉलेज में सिर्फ दो विभाग थे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना लिए 50 धड़कते दिलों का कारवां यहां से प्रारंभ हुआ। 40,000 की जनसंख्या मात्र दो जिलों सीहोर रायसेन और मूलभूत सुविधाओं वाले भोपाल, जिसकी पार्ट सी स्टेट होने के नाते सिर्फ 1,00,000 रुपए की फाइनेंशियल पावर होने के बावजूद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधों के चलते इलाहाबाद कानपुर के लिए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भोपाल में मूर्त रूप ले सका। भोपाल के रियासत के मुख्य अभियंता मिर्जा फहीम बेग और वास्तुविद श्री एस सी शर्मा ने जिस स्थान और भवन की परिकल्पना की वो फतेहगढ़ किले की ऊंची टेकरी पर था। भोपाल के भाल पर ये सुनहरा टीका था। कमला नेहरू ब्लॉक का शिलान्यास 6 मार्च 1955 को राजकुमारी अमृत कौर द्वारा किया गया। नेपाल नरेश महाराजा वीर विक्रम शाह देव ने 18 नवंबर 1955 को हॉस्टल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। भारतवर्ष के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत ने 15 सितंबर 1956 को चिकित्सा महाविद्यालय भवन की नींव का पहला पत्थर रखा। सब चीजें तेज गति से चल रही थी। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी तेजी से चला। 7 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद वास्तुकला का एक शानदार मुजस्मा उभरा, जिसे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय कहा गया। ये भवन विज्ञान व कला का ऐसा संगम है जहां मानव शरीर के विच्छेदन एवं विकृत अंगों के अध्ययन से मानव कल्याण की चिकित्सा विधा का उद्गम होता है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 13 मार्च 1963 को वर्तमान भवन का उद्घाटन हुआ। तब से लेकर आज तक इस प्रकाश पुंज से प्रस्फुटित बिंदु न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के विभिन्न स्थानों पर आलोकित हो रहे हैं।